सर डॉक्टर ही। आज मैं देख के बहुत खुश हुआ कि हाँ बच्चे जो थे, बच्चे जो हैं उनकी जो एजुकेशन को अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन बच्चों को दे रहा है। इसमें चाहे GNM हो, चाहे पोस्ट बेसिक हो, चाहे BC नर्सिंग हो। मैंने देखा आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी था, साथ में फेयरवेल फंक्शन भी इनका है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर्स में हैं और ये एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। इसको देख के मैं अभी सुबह जब मैं आया, मैं यहाँ घूम रहा था तो मैं इनकी लाइब्रेरी, इनके प्रैक्टिकल रूम, इनके और चीज़ें देख के जो क्वालिटी एजुकेशन ये इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, मैं तो मुझे लगता है कि शायद ही हिमाचल में कोई और ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो इसके लेवल का होगा। मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ जो आज यहाँ से पास आउट होके गए हैं। और मुझे इनको देख के ऐसा लगा कि इनका अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है। इट इज़ नॉट कि सिर्फ एक प्रोफेशन में ही ये जाके काम कर सकती हैं। ये लड़कियां अगर कहीं डिक्लेमेशन कंटेस्ट हो, कहीं पोस्टर कंटेस्ट हो, कहीं डांस की बात करें या अपने प्रोफेशन की बात करें, तो ये लड़कियां मुझे लगता है कि हमेशा नंबर वन रहेंगी। और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही मुबारकबाद देता हूँ बाली जी को जिन्होंने कुल्लू जैसे शहर में, कस्बे में हिमाचल के बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन खोला और उसमें क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। CD चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।